दोस्तों, अगर आप में से कोई भी सीएसपी चलाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर कस्टमर सर्विस पॉइंट लेके रखा हुआ है, तो आजकल देख रहे होंगे अकाउंटों में काफी सारी दिक्कत आ रही है। जैसे कि उनमें से एक मेन दिक्कत यह है कि जैसे आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तो वहां पे जो एक आपको मैसेज शो करता है कि प्लीज सबमिट केवाईसी एंड चेंज अकाउंट प्रोडक्ट टू एसबी टाइनी स्पेशल। ये मैसेज आपको अक्सर देखने को मिल रहा होगा, ज्यादातर अकाउंटों पे ये मैसेज आ रहा है। होता क्या है कि जो है ये पुराने अकाउंट जो खुले हुए हैं काफी पहले के 2013-14 के, तो इन अकाउंटों की लिमिट जो पहले कम हुआ करती थी। इनमें जो है केवल 10,000 रुपए आप विड्रॉल वगैरह कर सकते थे पर मंथ। तो इन अकाउंटों को जो है प्रोडक्ट चेंज के लिए जो है बैंक कह रही है इनका केवाईसी अपडेट कराइए, उसके बाद जो है इनके प्रोडक्ट को चेंज करके इनके अकाउंट की लिमिट बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, और इस समस्या को लेकर जो है काफी सीएसपी पॉइंट होल्डर जो भी हैं वो परेशान हो रहे हैं और जो है इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं कि जो है प्रोडक्ट कोड कैसे चेंज किया जाए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो है कैसे प्रोडक्ट कोड आपको चेंज कराना है अपनी लिंक ब्रांच से, और उसके बाद जो है कस्टमर को आप कैसे जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसका जो है प्रोसेस क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है आपको सबसे पहले अपने कस्टमर से जो है अपना आईडी प्रूफ लेना होता है, उसका आधार कार्ड वगैरह जो भी है। तो वैसे तो मैंडेटरी आधार ही चल रहा था अभी तक, लेकिन अब जो है दूसरी आईडी भी अभी लग जाती है। अगर आधार कार्ड है तो ज्यादा बेटर है, तो आधार कार्ड उसका ले लीजिए। और केवाईसी जो है सबमिट करने के लिए आपको प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं डिस्प्ले भी करता चल रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ कि जो है प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप अपनी लिंक ब्रांच में उसकी केवाईसी लेके जाएंगे तो पहले जो है उसकी केवाईसी आप अपडेट करवाएंगे, और केवाईसी अपडेट कराने के बाद जो सीवीएस मेनू होता है बैंक का, बैंक लिंक में, तो सीवीएस मेनू में आप जाएंगे अपडेट केवाईसी, अपडेट केवाईसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले केवाईसी अपडेट करा दीजिए, उसके बाद जो है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीबीएस में के डिपॉजिट सीसीओडी अकाउंट सर्विस अमेंड। तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे उसके नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से आपको एक चुनना है डिपॉजिट सीसीओडी चॉइस प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। जब इस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो वहां पे आपको देखिए शॉर्ट में मैं बता दूं कि जेड जेड दो बार डालना है, तो वहां पे आ जाएगा अदर का। तो अदर आपको उस कैटेगरी में सिलेक्ट कर देना है, यानी जेड जेड आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो वहां पे अदर का आ जाएगा, तो आपको अदर जो है सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है अगला स्टेप मैं आपको बता दूं, जब अदर आ जाएगा उसके बाद एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा उसके आगे की चॉइस प्रोडक्ट कोड। अब यहीं पे मेन फंडा है, ये प्रोडक्ट कोड ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट कोड डालना है, कि जो है अकाउंट प्रोडक्ट जो है कौन सा यहाँ पे कोड डालना जिससे कि अकाउंट की कैटेगरी चेंज हो जाए। तो वो प्रोडक्ट कोड कौन सा है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि प्रोडक्ट कोड जब वहां पे आपसे मांग रहा है तो वहां पे आप टाइप कर देना शॉर्ट में 1611431 1611431। आप बहुत से सुन लेना इस प्रोडक्ट कोड को, मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, ये कोड नंबर आपको करना है प्रोडक्ट का। तो वहां पे जैसे ये डालेंगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा एसबीआई टाइनी एसपीएल ओडी जनरल पब्लिक। तो इस अकाउंट प्रोडक्ट कोड को जो है सिलेक्ट करना, तो इस प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करने के बाद जो है इसे ऑथराइज करेंगे नीचे से, तो वहां पे क्यू जनरेट हो जाएगी। क्यू जैसे जनरेट होती है तो आप जो है अपने ब्रांच मैनेजर वगैरह से इसकी क्यू जो है ऑथराइज करा लीजिए, और क्यू ऑथराइज होते ही जो है अकाउंट का प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टमर का विड्रॉल कीजिए, जो मैसेज आपके पास आ रहा था प्लीज सबमिट केवाईसी एंड चेंज अकाउंट प्रोडक्ट टू एसबी टाइनी स्पेशल का, वो मैसेज हट जाएगा, और इसके बाद जो है कस्टमर के अकाउंट की लिमिट भी जो है बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो है आप प्रोडक्ट कोड बहुत ही आराम से जो है चेंज करा सकते हैं अपनी लिंक ब्रांच में जाकर। हाँ, इसमें आपको एक चीज बता दूं कि काफी भाई हमारे कमेंट भी करेंगे कि इसे खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये आप खुद से अपने सीएसपी पोर्टल पे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका भी प्रोसीजर है, मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हैं तो जो है बहुत जल्दी आप एक ही दिन में उसका प्रोडक्ट कोड चेंज कर पाएंगे। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए मैं आपको अपने पोर्टल यानी कि सीएसपी पोर्टल जो आप चला रहे हैं उसके थ्रू चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। सीएसपी पोर्टल पे आपको एक सबसे पहले मिलेगा अपडेट कस्टमर केवाईसी का,
तो उस मेन्यू में जाके जो है कस्टमर की केवाईसी आपको अपडेट करनी है, वहां पे सीआईएफ नंबर मांगेगा, ठीक है, उसके बाद कस्टमर का फिंगर मांगेगा, फिंगर के बाद जो है वहां पे आईडी आ जाएंगी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, काफी सारी आईडी दी हुई है, उनमें से कोई भी आईडी आप सिलेक्ट करके और वहां पे आईडी नंबर डाल दें और कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने के बाद आपको वहां पर जो है सबमिट सक्सेसफुली ऑथराइजेशन पेंडिंग का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच में जाना है, लिंक ब्रांच में। वहां जाने के बाद जो ऐप आता है, एक ऐप का वहां पे फोल्डर रहता है, ऐप में जाके क्योस्क पे जब वो ओपन करेंगे तो वहां आपका क्योस्क पोर्टल खुल जाता है, तो उस पे जाके जो है ऑथराइज केवाईसी पे जाके आपको जो है अपनी केवाईसी जो आपने की है उसे ऑथराइज कर देना है। ऑथराइज करने के दूसरे दिन उसी कस्टमर को बुलाने के बाद एक आता है कस्टमर प्रोडक्ट चेंज का, तो वहां कस्टमर प्रोडक्ट चेंज पे जब आप जाएंगे तो वहां पे अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा और जो है फिंगर वगैरह वेरीफाई कराएगा और वहां पे आएगा ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था SBI टैनी स्पेशल ओडी जनरल पब्लिक का, तो वहां पे सिलेक्ट करके उसे ऑथराइज कर दीजिए। कस्टमर के बगैर फिंगर के नहीं कर पाएंगे आप इसे, तो जैसे ही वहां से करेंगे आपके पास फिर से एक मैसेज आ जाएगा कि जो है प्रोडक्ट कोड चेंज सक्सेसफुली एंड ऑथराइजेशन पेंडिंग। तो ऑथराइजेशन पेंडिंग के लिए आपको फिर से अपने लिंक ब्रांच में जाना है और वहां पे जो है अपने ऐप में क्योस्क वाले पोर्टल को लॉगिन करवा के जो है प्रोडक्ट कोड चेंज में जाके उसे अकाउंट को ऑथराइज कर देना है। उसके बाद जो है उस अकाउंट का जो है प्रोडक्ट कोड चेंज हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है अगर आप रेगुलर करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा टाइम भी लगता है। और कभी कभी क्या होता है जो आप केवाईसी सबमिट करते हैं वहां से ऑथराइज होने के बाद भी जो है ऑथराइजेशन पेंडिंग ही दिखाता रहता है, अक्सर ऐसा देखने में आया है, काफी सारे अकाउंटों में आता है ऐसा कि आप केवाईसी वहां से ऑथराइज कर देंगे लिंक ब्रांच से लेकिन उसके बाद भी आपके पोर्टल पे जो है प्रोडक्ट कोड चेंज नहीं करने देता, वहां पे तब भी जो है ऑथराइजेशन पेंडिंग ही दिखाता रहता है, जबकि वहां से ऑथराइज कर चुके होते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पे पेंडिंग आता है। क्यों आता है इसका तो आंसर जो है आप अपने CSP कस्टमर केयर से ले सकते हैं, तो ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है, तो इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे एक ही दिन में आप जो है अपने कस्टमर का जो है प्रोडक्ट कोड चेंज कर सकते हैं और जो है विदाउट किसी झंझट के जो है आराम से उसका विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट कोड चेंज नहीं है तो केवल आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे काम उसके अकाउंट में आप कर सकते हैं, जो भी वो करना चाह रहा है अपना बैलेंस इंक्वायरी वगैरह डिपॉजिट वगैरह जो भी चाह रहा है वो कर सकते हैं, केवल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों ये छोटी सी जानकारी देने के लिए मैं आया था कि आप जो है अपने CSP अकाउंट का जो है प्रोडक्ट कोड कैसे चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टल के थ्रू और ब्रांच के थ्रू, तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्वारी रह जाती है तो आप मुझे भेजिए कमेंट, तो मैं जो है आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज अपने और भी जो CSP पोर्टल चला रहे हैं उन भाइयों को शेयर वगैरह कर लेना जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके और आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।